हेलो, मैं कुणाल। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नया केक लेके आया हूँ जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा डिजाइन है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो मैं केक बनाया हूँ वो टू स्टेप फॉन्डेंट केक का डिजाइन है। और इसमें देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लावर्स का डेकोरेशन किया हूँ और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फटाफट से हम केक भी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरा केक ऑर्डर है वो टू स्टेप में ऑर्डर था। तो हम दोनों का जो लेयर है वो कम्प्लीट करके पहले से फ्रिज में थोड़ा सा कूलिंग के लिए हम रख दिए थे। तो मेरा जो बेस है वो प्रॉपर कूलिंग हो चुका है। उसके बाद इसमें जो मैं क्रीम लगा रहा हूँ वो हम बटर क्रीम लगा रहा हूँ। अगर आप जब भी फॉन्डेन केक बनाते हैं तो आप बटर क्रीम पे ही बनाइए। अगर आपके पास बटर क्रीम नहीं है तो यहाँ पे आप चॉकलेट ट्रफल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास बटर क्रीम में पहले से ही बना करके पहले हम रख लिया था। तो हम सेम प्रोसेस में दोनों स्टेप को हम इसी तरीके से बढ़िया से स्मूथ फिनिशिंग के साथ में हम बटर क्रीम लगा लेते हैं। और बटर क्रीम को सेट होने के लिए हम इसको डीप फ्रीजर में एक घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसका हम प्रॉपर डिजाइन करूँगा। तो चलिए, आप हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा कि जो मैं केक बनाया हूँ वो आपको कितना अच्छा लगा और कितना प्यारा सा केक मैं बनाया हूँ। और साथ में आप हमको फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज आईडी कुणाल केक मास्टर के नाम से है। तो मैं इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप हमको वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं पेज पर भी मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और वहाँ पर भी नया नया वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा आईडी को ज़रूर फॉलो करके आप लोग रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी वीडियो सीखने के लिए और कुछ देखने के लिए नया नया डिज़ाइन आप लोगों को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो दोनों लेयर है वो कंप्लीट हो चुका है क्रीम से। मैं फॉन्डेंट का केक बना रहा हूं तो इसमें हम बटर क्रीम यूज़ किया हूं। और ये दोनों केक को हम पहले फ्रिज में सेट होने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम व्हाइट फॉन्डेंट यहाँ पर लिया हूँ और हम इस तरीके से पहले बेल लेता हूँ, क्योंकि हमको पूरा फॉन्डेंट से ही कवर करना था दोनों स्टेप को। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे एक बड़ा चपाती का आकार में हम बेल लिया हूँ और ये जो मेरा लेयर है वो प्रॉपर सेट हो चुका है फ्रिज में। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे पूरा फॉन्डेंट इसमें डाल दिया हूँ। और आपको यही चीज़ यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी फॉन्डेंट यहाँ पे आप डाल रहे हो केक पे, आप जब भी फॉन्डेंट चढ़ा रहे हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरा फॉन्डेंट कहीं से भी स्क्रेच ना हो और फटे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब भी फॉन्डेंट केक बना रहे हैं, जब भी आप फॉन्डेंट केक के ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है, फ्रेश फॉन्डेंट को लेना पड़ेगा, ना कि जो पहले से पैकेट खुला हुआ है, पहले से उसमें हवा लगा है, एयर लगा है, वो वाला आपको फॉन्डेंट नहीं लेना है। और अगर आपको फॉन्डेंट फट रहा है तो आप लोग कॉमेंट कीजिए, मैं उसका भी एक ट्रिक बताऊँगा, उससे क्या है आपका फॉन्डेंट नहीं फटेगा। मेरा भी यहाँ पे जब भी फॉन्डेंट वगैरह फटता है तो वहाँ पर भी मैं एक इजी अपना पर्सनल ट्रिक का यूज करता हूँ, उससे क्या है मेरा फॉन्डेंट नहीं फटता है। अगर आप लोगों में से मेरा वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग का फॉन्डेंट किनका किनका फॉन्डेंट फट जाता है तो आप लोग कॉमेंट कीजिए, ताकि हम आपको पूरा एक सोल्यूशन बता दूंगा, उससे क्या है आपका फॉन्डेंट कभी भी नहीं फटेगा। तो देख सकते हैं मैं जो फर्स्ट स्टेप चढ़ाया हूँ फॉन्डेंट, उसमें से मेरा फॉन्डेंट कहीं से भी स्क्रेच वगैरह नहीं आया और बहुत ही फिनिशिंग से भी मेरा फॉन्डेंट कवर हो गया है। तो सेम प्रोसेस से हम ये सेकेंड वाला स्टेप को भी हम पूरा फॉन्डेंट से कवर कर लेंगे। उसके बाद इसमें जितना भी आगे का जो फ्लावर्स का डिजाइन है वो हम आगे आपको डेकोरेशन करके बताऊंगा, क्योंकि कस्टमर जब हमारे पास ऑर्डर दिया था तो उनका जो कुछ केक में कुछ जो डिजाइन था उसमें कुछ फ्लावर कुछ डिफरेंट प्रकार का फ्लावर्स था। तो हम कस्टमर को पहले ही बता दिए थे कि सर हमसे जितना फ्लावर पॉसिबल हो सकता है, जो फ्लावर हमसे बन सकता है, मैं वही फ्लावर्स ये आपका केक पे मैं यूज करूँगा। और बाकी जो डेकोरेशन है आप डेकोरेशन के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं उससे भी बढ़िया डिजाइन करके दूंगा। लेकिन फ्लावर्स क्या है, जैसे फ़ोटो में था सेम टू सेम हमसे तो फ्लावर नहीं बन सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा जो फ्लावर्स हमसे बन सकता है मैं वो फ्लावर पक्का बनाऊँगा। और बाकी जो डेकोरेशन है मैं कुछ डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह भी बना करके आपका केक जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से बना करके दूँगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं केक आप जब केक लेने आओगे उस टाइम पे आप केक पहले देखिए, उसके बाद बताइएगा कि आपका केक कैसा बना है। तो देख सकते हैं मैं पूरा फॉन्डेंट मेरा दोनों स्टेप
कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बेस में जो था वो बेस में भी इस तरीके का ग्रे कलर का फोंडेंट था, तो हम इस तरीके से भी बेस रेडी करते हैं। अगर आप इस तरीके से अगर रेडी नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट कोई दूसरा बेस पे भी आप रेडी करके फोंडेंट को बेल करके केक को एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए मेरा फोंडेंट कम्प्लीट होने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा हमको स्प्रे करना था, थोड़ा कुछ कलर लगाना था, तो हमारे पास पाउडर वाला कलर नहीं था तो हम थोड़ा सा लिक्विड कलर ही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ पाउडर कलर है तो आप पाउडर कलर का यहाँ पे इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ इस प्रकार से हमको झाड़ का डिजाइन बनाना था, तो हम इसको सेम वही लिक्विड कलर से ही इस तरीके का एक झाड़ का सिंबल में बना दे रहा हूँ ताकि केक में और भी खूबसूरती लगे, क्योंकि वो जो हमारे पास जो फोटो था उसमें इसी प्रकार से झाड़ वगैरह बना था, तो हम इसका फ़ोटो भी एक इसमें अटैच कर दूंगा। तो आप लोग फ़ोटो को भी देख करके सजेशन कर सकते हैं कि फ़ोटो में केक अच्छा लग रहा है या जो मैं केक बनाया हूँ वो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। तो देख सकते हैं इसमें इतना प्रकार का मैं फ्लावर्स बना करके रख लिया हूँ और कुछ फ्लावर्स को टूथपिक वगैरह भी मैं सेट कर दिया था। उसके बाद चलिए फटाफट से हम केक में सेटिंग करके आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा मालूम चलेगा कि मैं कौन सा डिज़ाइन कहाँ पे कौन सा फ्लावर्स को सेटिंग कर रहा हूँ और किस प्रकार से मैं सेटिंग कर रहा हूँ। पूरा वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बता दूंगा, कभी भी अगर इस प्रकार का केक आप लोगों के सामने ऑर्डर आता है तो कैसे फ्लावर्स को सेटिंग करें ताकि आपका फ्लावर्स नीचे ना गिरे, केक भी ना झुके, तो मैं पूरा इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। कभी भी आप लोगों के पास इस तरीके का पूरा फ्लावर्स वाला डिजाइन का केक ऑर्डर आता है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये पूरा व्हाइट चॉकलेट है उसको मेल्ट करके एक पैकिंग बैग में भर लीजिए और पूरा फ्लावर्स को चॉकलेट से चिपका दीजिए। इससे क्या है आपका जो फ्लावर्स है वो कभी भी स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि कुछ फ्लावर्स साइड वगैरह भी रखा रहता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसको चॉकलेट से चिपका दीजिए। तो आप क्या है कि जब भी चॉकलेट से आप चिपकाते हैं तो आप फ्लावर्स को जिस जगह पे चिपका रहे हैं आपका फ्लावर वहीं पे चिपक जाएगा, और अगर न्यूट्रल जेल वगैरह से अगर चिपका रहे हैं तो हो सकता है साइड का जो फ्लावर्स है जो पूरा उसको प्रॉपर बैठने का जगह नहीं मिल रहा है तो क्या उस स्लिप होने का चांस रहता है। तो देख सकते हैं ऊपर से मैं फ्लावर सेटिंग कर दिया, उसके बाद कुछ फ्लावर्स को हम टूथपिक में इस तरीके से सेटिंग कर लिए थे और वो जो फ्लावर्स में सेट कर रहा हूँ क्या वो फ्लावर्स का ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट इस तरीके से दिख रहा है, तो मेरा जो डिजाइन है और भी खूबसूरत लग रहा है। तो हम ये भी फ्लावर्स को पूरा बना करके सेम उसी प्रकार से इसमें भी सेटिंग कर रहा हूँ और जितना भी फ्लावर्स में सेटिंग कर रहा हूँ पूरा को हम व्हाइट चॉकलेट से इसमें हम चिपका दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कभी से भी जो मेरा केक है और भी खूबसूरत दिख रहा है। बाकी इसमें कुछ आर्टिफिशियल पत्ता वगैरह का मैं यूज किया हूँ ताकि मेरा जो केक है और भी खूबसूरत लगे, तो इसमें जितना भी प्रकार का फ्लावर्स और आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह लगा था वो हम कस्टमर जब ऑर्डर देने के लिए आया था तो हम उसको उनको उसी टाइम पे हम बता दिए थे कि सर इसमें जितना प्रकार का फ्लावर्स और जो भी लीव्स है वो आपको मार्केट से परचेस करके आप ला करके दिए तो हम सेम टू सेम केक आपको बना करके दे सकता हूँ, नहीं तो इतना प्रकार का फ्लावर्स और इतना ये सेम टू सेम लीव्स वगैरह तो हमारे पास तो नहीं है, आप परचेस करके खुद ला लीजिए क्योंकि हम परचेस तो नहीं कर सकते। अगर हम परचेस करते हैं तो इसका जो भी कॉस्ट होगा वो आप ही को पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने बोला था जी नहीं सर, आपके पास जो भी आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह है तो आप उसी से डेकोरेशन करके दीजिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें हमारा जो फ्लावर्स वगैरह जो लगा है जिस कलर में हमारा जिस कलर कॉम्बिनेशन में फ्लावर्स वगैरह लगा है आपको भी फ्लावर्स जो भी आप फ्लावर्स बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमको सेम कलर कॉम्बिनेशन में फ्लावर्स वगैरह बना करके आपको यहाँ पे लगाना है। तो हम वही चीज़ किया हूँ, उनका डिजाइन में जो भी कलर कॉम्बिनेशन का फ्लावर्स था तो हम अपने हिसाब से यहाँ पे फ्लावर्स को भी बना लिए थे और जो भी हमारे पास देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह जो था जो फ्लावर्स आर्टिफिशियल फ्लावर्स रहता है उसका पीछे तो फ्लावर्स में इस तरीके का पार्ट भी रहता है, इस तरीके का लिप्स वहाँ पे लगा रहता है, हम उसी से यहाँ पे डेकोरेशन कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं मेरा कितना खूबसूरत अभी से ही केक लग रहा है और ये केक जो है हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था क्योंकि केक में इस टाइप का केक तो मैं बहुत ज़्यादा बनाया था, तो ये जो है फोंडेंट में मैं फर्स्ट या तो सेकेंड टाइम पर ऐसा केक मैं बना रहा था। क्रीम का तो मैं केक बहुत ज़्यादा बनाया हूँ और ये फोंडेंट का पूरा फ्लावर्स वगैरह का जो डिज़ाइन था इस तरीके का जो लुक था मैं फर्स्ट टाइम पे शायद मैं एक केक को
बना रहा था तो हमको केक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, और जब कस्टमर भी जब केक लेने के लिए आएगा तो हमको उम्मीद था कि कस्टमर को भी केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैं बटरफ्लाई लगा रहा हूँ वो भी कस्टमर ने ही परचेस करके ला करके दिया था, क्योंकि वो उनको फ्लावर्स वगैरह तो नहीं मिला तो सिर्फ वो बटरफ्लाई ले करके आए थे, क्योंकि उनका जो थीम डेकोरेशन था वो भी बटरफ्लाई में था, क्योंकि जहाँ पर उनका पार्टी चल रहा था वहाँ पर वो पूरा जो डेकोरेशन है वो पूरा बटरफ्लाई थीम में करके पहले से ही रखे थे, तो हमको भी बटरफ्लाई उसमें लगाने के लिए बोले थे, तो बटरफ्लाई कस्टमर ने ही हमारे को ला करके दिया था। तो देखिए हम पूरा बटरफ्लाई इसमें सेट कर दिया हूँ, तो और भी जो डिजाइन है और भी खूबसूरत लगने लगा था। तो ये जो मेरा केक है वो बन करके मेरा केक कंप्लीट हो गया। आपको मेरा जो केक बनाया हूँ वो कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत है, आप हमको कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मेरा चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप हमको फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज आईडी कुणाल केक मास्टर के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।